अल्मोड़ा शहर की रानी धावा सड़क पुनर्निर्माण संघर्ष समिति का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। दरअसल लंबे समय से खस्ता हाल रानी धावा सड़क का सुधार न होने से नाराज क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क को काम पूरा होने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया है। बता दें कि बारिश में मलबा और पानी घरों में घुसवा है, जिससे घरेलू सामान भी खराब हो गया। इस दौरान समिति के विनय किरोला ने सड़क पुनर्निर्माण की मांग की और कहा जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं सीवर लाइन के काम की एसआईटी जांच की भी मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए 3 बजे या 2:30 बजे से बरसात शुरू हुई है। हम लोगों को यहाँ पर फोन आया, हम 3:30 बजे मीनू पंत जी के मकान में पहुंचे हैं। इस कदर यहाँ पर पानी आ गया है कि बाल्टियों के हिसाब से पानी भरा है मकान के अंदर, और ये अभी की बात नहीं है, ये लगातार जब से सिविल लाइन बनी है तब से इनके घर के अंदर पानी आ रहा है। और ऐसा अनेकों मकान है, सिविल लाइन करोड़ों रुपए 4.5 करोड़ रुपए केवल रानी धारा के लिए आया है, और 4.5 करोड़ रुपए रानी धारा में सिविल लाइन के निर्माण के बाद ये स्थिति हो गई है कि लोगों के घर में पानी आने बेहिसाब पानी आना शुरू हो गया है। हम लोग पिछले 6 दिन से इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए धरने में बैठे हैं। कल विभागीय अधिकारी आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा लंबे समय से पड़ा है, तो वो पैसा किस लिए पड़ा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा, जमीन में क्यों नहीं आ रहा है वो पैसा। उसी तरह से नगर पालिका काम करा रही है बरसात में। बड़ा दुर्भाग्य है, जिस काम को जनवरी फरवरी में प्लानिंग होके मई जून तक काम को कंप्लीट हो जाना था ताकि बरसात में किस तरह की आपदा ना आए, तो किस तरह की विभागीय लापरवाही है आप समझ सकते हैं। हम लोग आजकल धरना इस वजह से दे रहे थे कि यहाँ पे लाइन और सीवर लाइन है और बाकी नगर पालिका का जो व्यवस्था है पानी की सप्लाई वो डैमेज ड्रेनेज वाली वो ठीक नहीं है। मैं कल भी आपको चेतावनी देके आई थी आपके माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो मैं आत्मदाह करूँगी। कल रात 2 बजे से हमारे घर में पानी है, हम 2 बजे से घर से बाहर है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे मैं लगातार DM सर को कर रही हूँ, मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा सबको मैंने फोन किया, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। आप ही बताइए अगर कल के दिन इन अधिकारियों के घर में ऐसा होता तो क्या ये शासन प्रशासन देखता नहीं? हम ही लोगों ने इनको यहाँ जनता को यहाँ तक पहुँचाया है, हम ही लोगों ने इनको विधायक बनाया है, हम ही लोगों ने इनको MP MLA बना रहे हैं और आज हमारे लिए ऐसा अन्याय हो रहा है।